सर सर इधर इधर सर आप कहीं बैठो। काम चालू है? काम चालू है। हुआ क्या? नहीं सर, काम अभी बहुत कुछ चालू हुआ। काम चालू है से बहुत कुछ चालू हुआ। एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया। और चूंकि इतनी सीरियस और संवेदनशील फिल्म थी, रियल स्टोरी थी, और लेकिन एक पूरी यूनिट ने, पलाश ने, सब ने मिल के ये फिल्म को इतने हृदय से जीने की कोशिश की। कुछ सिंपल थाट बहुत रियल था और बहुत सिंपली इसको बनाने की कोशिश की। और आज वो पूरे सप्ताह जो है वो अच्छी रेटिंग के साथ में देखने को मिली। और थैंक यू सो मच, जितने लोगों ने भी देखी उनका आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले। सबका धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ प्लीज़ जी फाइव पे जाइए। और जी फाइव जो डाउनलोड कीजिए और फ्री में फिल्म देखिए। अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम सो हैप्पी। फ्लैश बधाई प्रसाद। हम ना ओके किए हैं मतलब मैं देख मैं इनके इनका को एक्टर एक ही सीन के लिए हूँ उनके साथ, लेकिन इन्होंने दो सीन्स मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास की। दिल से बोल रहा हूँ, मैं एक सीन की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत एक सीन से हुई है, शुरू से। तो मैं समझता हूँ कि एक सीन दिख जाती है कुछ अच्छा एक्टर आप जैसा मिल जाए तो सौभाग्य होता है। माता पिता जो अभियान रहता है कि ये ना मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरा ये जो माँ है उससे और एक पिता है, उस बाकी सब लोग देख लें आशीर्वाद है, लेकिन बच्चे बूढ़े नौजवान सबके लिए है, अवेयरनेस के लिए है, जागरूकता के लिए है। लेकिन एक पिता का रोल करके एक उस पिता को श्रद्धांजलि, मतलब ये बोलते ना कि अपनी तरफ से जिस जो खोया है जो पिता ब्यूटी, बहुत बड़ा जो है वो घर की लक्ष्मी है उसके कदम। हम लोग जो जब तक पैर ना पूजे जाए उसके पैर छूते हैं। हमारे यहाँ पे ये रहता है कि जब तक बच्ची की शादी ना हो तब तक हम सब लोग उसके पैर उठाते राज माथे पे, और वो उसका सपना है वही चला जाए दूसरे में। तो ये कॉमेडी तो खूब करेंगे अभी, तो और भी उछल कॉमेडी करेंगे, लेकिन ये बीच बीच में जो एक बोलते हैं ना कि जहाँ से आंसू निकलते हैं और वहीं से हंसी के फब्बारे बोलते हैं, आँखों में हंसी निकलती है। जिस मुँह से रोना होता है उसी मुँह से हंसना होता है। तो हमेशा हंसाते हुए बीच बीच में थोड़ा सा रुलाना ताकि बैलेंस हो जिंदगी और लाइफ इज गुड। सर मूवी कैनन्स फेस्टिवल में गई, आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ और एक अच्छी थैंक यू इम्पा, थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने उसकी स्क्रीनिंग के लिए इस लायक समझा इस फिल्म को। और कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मों का फेयर है, और उस फेयर में जो है काम चालू है, हमारी फिल्म को भी मौका मिला है, तो अच्छा है। बहुत 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 खुश हूँ। आपके अभी मैं वेलकम भी आने वाली है सर? नहीं, बहुत सारी हैं, अच्छी हैं। हमेशा पूरे साल में दो चार बिग कॉमर्शियल फिल्मों का
हिस्सा होना का सौभाग्य है, और बीच बीच में मनोरंजन के साथ में, मनोरंजन तो इसमें भी है लेकिन एक मीनिंग भी है, तो दोनों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही पिछले 20 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है सर। काम चालू है, कैसा क्या लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत सारा प्यार मिला सबका, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतनी सारी लोगों तक पहुँचा है, सबने एक्सेप्ट किया है। कैलाश की बहुत स्पेशल फिल्म है, बहुत खुशी हुई। आप लोगों को कैसी लगी? हम लोगों को अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? और कौन कौन चैलेंज आ रहे हैं? सब लोग जितने लोग कैलाश यार, सक्सेस पार्टी, कितनी खुशी, काम चालू होगा? बहुत खुशी है, ऑब्वियसली खुशी तो होगी, लेकिन ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये मैसेज सब तक पहुँच रहा है, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, और ये सब तक पहुँचे यही हम लोग चाहते थे। थैंक यू, थैंक यू। कला सर की सक्सेस पार्टी का भी मिलना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा है, सबने बहुत अच्छा काम किया है, और मूवी जिस तरीके से चल रही है, मतलब हमने सोचा ही था एक्चुअली जब बन रही थी कि इस तरह से जाएगी वर्ड ऑफ माउथ से, बिकॉज बहुत अच्छा मैसेज है, तो आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, टाइटल ट्रैक जो हमने किया है, यही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।